तीसरी बार यहाँ भी है ना, एक बार वहाँ गए थे, चार बार 2020 में काम के लिए फिर अनुभाग खासकर जो कोयलांचल बेल्ट है वहाँ से बार बार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ के भोले भाले आदिवासी और जो अन्य कोलरी के एम्प्लॉयज हैं उनसे छल पूर्वक उनको लोन देने के नाम पे उनको बहुत ही उनको लोन दिलवाने के नाम पर और उनसे अधिक ब्याज पर उनको लोन देना और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ऐसे कुछ कागज़ ले लेना, उनसे डॉक्यूमेंट साइन करा के ऐसे रख के छल पूर्वक उनकी गाढ़ी कमाई को साफ कर देने की कुछ सूदखोरों और दलालों द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा था, ऐसी शिकायतें आ रही थी लगातार। तो इन शिकायतों को अध्ययन करते हुए और वहाँ पे ग्राउंड स्थिति को जानकर वहाँ पे अपनी असूचना संकलन करके 3 थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने आज कार्रवाई करी, लगभग 10 स्थानों पर, भालूमाड़ा, कोतमा और रामनगर थाना क्षेत्र में। इन सभी कोतमा सब डिवीज़न के थाने हैं। लगभग हम लोगों ने 10 लोगों पर कार्रवाई की, जिसमें से 8 लोग हमारी गिरफ्त में हैं और 2 लोग उसमें फरार हैं, जिनको अरेस्ट करने के लिए हमने टीम गठित कर दी है। इस कार्रवाई में लगभग 55 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं सूदखोरों के यहाँ से, 160 के लगभग चेकबुक बरामद हुई है, 700 से ज़्यादा ब्लैंक चेक साइन किए हुए हैं अलग अलग लोगों के बरामद हुए हैं, लगभग 225 पासबुक बरामद हुई है, 73 से अधिक ATM कार्ड बरामद हुए हैं, 48 पैन कार्ड, लगभग 70-80 आधार कार्ड, 50 शपथ पत्र, खाली शपथ पत्र जिसमें उनके द्वारा कुछ भी लिखा हो साइन किया हुआ, 80 अंक सूची और 25 ऋण पुस्तिकाएँ, कई मतलब 100 उनकी अभी गिनती, क्योंकि अभी कार्रवाई चली रही है तो लगभग 100 से ज़्यादा कोरे दस्तावेज जिन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और ऐसे नोटराइज दस्तावेज कोरे जिन पर खाली उस पर दस्तखत और नोटरी करा ली गई है। इस तरह की कार्रवाई हुई, इसमें लगभग हमने 10 टीमों का गठन किया, लगभग 200 हमारे अधिकारी कर्मचारी इस टीम में लगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने इन सभी के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है और अभी कार्रवाई क्योंकि चल रही है इसीलिए एग्जैक्ट और बाकी डिटेल और भी इसमें से बढ़ेगी चीज़ें। और इन सभी के विरुद्ध जो प्राइमा फेसी समय में आ रहा है 420 जो धोखाधड़ी भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और जो ऋण पे अधिक ब्याज वसूलना, ये भी जो ऋण प्रोटेक्शन अधिनियम है उसके अगेंस्ट भी ये कार्रवाई समझ में आ रही है।